दोस्तों नमस्कार, मैं कैलाश विश्वकर्मा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र प्रक्रिया में सत्यापन कैसे करें। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मित्रों 15 मई 2019 को आदेश जारी हुए हैं, उसमें अतिथि शिक्षक की समस्याओं को हल किया गया है। तो उसमें यह बताया गया है, आदेश को हमने भलीभांति पढ़ा है, आपने ये पढ़ा होगा, जिस अतिथि शिक्षक के ऑनलाइन अनुभव प्रमाण पत्र बन रहे हैं, सही सही आ रहे हैं, वो 3 प्रतियों में उन्हें निकाल के एक फाइल बनाकर संकुल प्राचार्य महोदय को दें, प्रमाणित कराएं, संस्था से प्रमाणित कराएं। और ऐसे अतिथि शिक्षक जिनके उपस्थिति सत्यापन पत्रक सही नहीं निकल रहे हैं, दिनों की संख्या माह की संख्या में गलती हो रही है, ऐसे अतिथि शिक्षक के लिए मैनुअली अनुभव उपस्थिति पत्रक तैयार किए जाएंगे। तो मित्रों इसका प्रारूप जो है यह आप देख रहे हैं, इसमें आपको मैनुअली तैयार करना है। तो इसे आपको प्रिंट लेकर सर्वप्रथम एक सत्र के 3 प्रति में यह तैयार करना है, जिसमें सर्वप्रथम हम हमारे स्कूल में जाएंगे जहां हमने पढ़ाया है, वहां संस्था प्रमुख द्वारा हम इसे अपने दिनों की संख्या सत्यापित करा लेंगे और उनका प्रमाणीकरण दे दिया जाएगा कि प्रमाणित जो किया गया हुआ है शाला अभिलेख अनुपस्थिति पंजी से मिलान कर इन्हें दिया गया है। साइन होने के बाद एक प्रति हमारे उस विद्यालय में अभिलेख के रूप में रख ली जाएगी जो भविष्य में काम आए, और 2 प्रति हम लेकर हम संकुल में चले जाएंगे, संकुल प्राचार्य द्वारा वह मिलान किया जाएगा मानदेय पत्रक से। मित्रों यदि दोनों में अंतर पाया जाता है तो संस्था प्रमुख द्वारा दिए गए दिनों को ही अंतिम मान लिया जाएगा और उसी आधार पर संकुल प्राचार्य दिनों की संख्या अंकित कर देंगे और वह भी प्रमाणित करके हमें दे देंगे कि प्रमाणित किया जाता ये सही है, और उसे पोर्टल पर GFMS पोर्टल पर फिट कर देंगे हमारी जानकारी और लॉक करेंगे, तभी वह DEO के लॉगिन पर देखेगी, अन्यथा नहीं देखेगी, इसलिए लॉगिन कराना ना भूलें। और इसके पश्चात हमारे शिक्षा पोर्टल के लॉगिन ID हमारे स्वयं के पासवर्ड से जब हम ओपन करेंगे तो एक अनुभव प्रमाण पत्र हमें मिलेगा, उस अनुभव प्रमाण पत्र को हमें प्रिंट लेकर सर्वप्रथम संकुल प्राचार्य संस्था, संकुल प्राचार्य और DO से साइन लेने के बाद ही वह मान्य होगा।